पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन अमित शाह का रोड शो, बोलपुर के हनुमान मंदिर से डाक बंगले तक रोड शो किया। गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब, शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। रोड शो में शाह ने लगवाई भारत माता की जय के नारे, कहा ऐसा रोड शो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर बोले अमित शाह, कहा ये बंगाल का मोदी के लिए प्यार और ममता के लिए गुस्सा है। अमित शाह के रोड शो के रास्ते में कलाबाजी करते दिखे लोग, ह्यूमन पिरामिड बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अमित शाह के रोड शो में खुशी से नाचती गाती महिलाओं की तस्वीरें, ग्रुप बनाकर महिलाओं ने किया डांस। रोड शो से पहले गृहमंत्री अमित शाह बोलपुर के हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे, बजरंग बली से जीत का आशीर्वाद मांगा। शांति निकेतन में अमित शाह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि, टैगोर से जुड़ी चीजों पर पुष्प अर्पित किए। अमित शाह के सम्मान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, गृहमंत्री ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। अमित शाह ने रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हुए कहा, गुरुदेव के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोक गायक वासुदेव दास के घर अमित शाह ने भव्य स्वागत अमित शाह का किया गया, बाउल संगीत बजाकर पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। अमित शाह की शिव आराधना, वासुदेव दास के घर के बाहर शिव मंदिर में किया जलाभिषेक। बाउल गायक वासुदेव के घर अमित शाह ने खाना खाया, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए। बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह बोलपुर पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी रहे मौजूद। अमित शाह के दौरे को लेकर समर्थक बेहद उत्साहित, लोगों ने रोड शो की सफाई कर समर्थन का इजहार किया। अमित शाह के बंगाल दौरे से घबराई ममता बनर्जी, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे शरद पवार भी। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, पीएम मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारा में मत्था टेका। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया, रकाबगंज गुरुद्वारे में चल रहा है सिख समागम। पीएम मोदी का यह दौरा अचानक तय हुआ था, लिहाजा गुरुद्वारे के आसपास कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी ली, ट्वीट कर कहा कि मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। मेरठ के प्रताप पूर्व से रवाना हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली, कृषि कानून के समर्थन में किसानों का दिल्ली कूच। किसान बिल के समर्थन में गाजियाबाद बॉर्डर पर 20,000 किसान करेंगे प्रदर्शन, सभी किसान प्रतापपुर और मेरठ के रहने वाले। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन, कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर पर कृषि कानून वापसी की मांगों पर अड़े। दिल्ली नोएडा को जुड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। किसान आंदोलन के बीच चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। किसान आंदोलन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मिला ट्रांसजेंडर्स का समर्थन, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन रहे हैं किसान। किसान आंदोलन के बीच पगड़ी को बढ़ावा देने के लिए टर्बन लंगर लगाया गया, किसानों के बीच बांटी गई पगड़ियां, पगड़ी बांधने के गुर भी सिखाए गए। किसान आंदोलन के बीच मनोरंजन के लिए खेल का भी इंतजाम, सिंगू बॉर्डर पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच आम चुनाव होंगे। पाकिस्तान की एजेंसी ISI और चीन की खुफिया एजेंसी MSS के बीच साठगांठ का खुलासा, अफगानिस्तान में पकड़े गए चीनी जासूस से पूछताछ में खुलासा। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से लुढ़का पारा, लाहौल स्पीति में -12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार लुढ़क रहा है पारा, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, श्रीनगर में जम गई है डल झील। गुजरात के वलसाड में लगी भीषण आग, स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, भारी नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गुरुग्राम के बालाजी अस्पताल में दो परिवारों के बीच हंगामा हुआ, एक पक्ष ने इलाज करा रहे दूसरे पक्ष पर बुलेरो चढ़ाने की कोशिश भी की, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में ड्रग्स के गोरखधंधे पर बड़ी कार्रवाई, 33 लाख के ड्रग्स बरामद, 2 लोगों को लिया हिरासत में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है, देश में 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,139 नए मरीज आए सामने, 32 लोगों की हुई मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के 3,940 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 74 लोगों ने दम तोड़ा है। रामनगरी को सीएम योगी ने दी करीब 90 करोड़ की 40 परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में कृषि मेले और प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। सीएम योगी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अयोध्या में अपने कार्यक्रम के दरमियान कहा कि किसानों के खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। मिशन रोजगार को लेकर योगी सरकार का एक और कदम, हर जिले से रोजगार के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस को घटिया जैकेट मुहैया कराने वाली निजी कंपनी पर गाज गिरी। सीएम योगी के निर्देश पर ब्लैकलिस्ट की गई गाजियाबाद की कंपनी। उत्तर प्रदेश में अब हो सकेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली जारी। यूपी में 8,431 पद है खाली। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी के साथ 1,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। आगरा से 3.5 करोड़ की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। दाल की बोरियों में छिपा कर रखी गई थी दवाएं। गोदाम मालिक समेत 3 हिरासत में लिए गए। बिगरू कांड में मारे गए अपराधी विकास दुबे की पत्नी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर। लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से फर्जी संस्था बनाकर बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी भर्ती निकालकर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार। लखनऊ में फर्जी आईएएस अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को चूना लगाता था। कन्नौज से सामने आया लव जिहाद का मामला। नाम छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आरोप। राहुल बनकर तौफीक ने रची थी साजिश। मथुरा में महिला की हत्या के मामले में नया मोड़ आ चुका है। महिला के पति पर लगा हत्या का आरोप।